दुनियादारी इज ब्रॉट टू यू बाय कॉइनस्विच कुबेर। डाउनलोड द ऐप नाउ। भाई साहब, बिटकॉइन में ट्रेड करना आखिर फ्लेक्सिबल कितना है? आपके पैसे हैं, जब चाहो आपके पास, जब आप चाहो बिटकॉइन में, 24/7। कॉइनस्विच कुबेर डाउनलोड करो और बिटकॉइन में ट्रेड करो। सिंपल, क्रेडिबल, फ्लेक्सिबल। ट्रेड कर बेफिकर। मैं यहाँ विनम्रता और आदर के साथ अपनी जिम्मेदारियाँ स्वीकारने आया हूँ। जिन लोगों ने वो कयामत के दौर का सामना किया, वही हमें माफ़ कर सकते हैं और हमें माफ़ी का उपहार दे सकते हैं। ये शब्द थे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के, और जगह रवांडा की राजधानी किगाली का जनसंहार स्मारक। 27 मई को मैक्रों रवांडा की यात्रा पर पहुंचे थे। मकसद था दोनों देशों के रिश्तों में सुधार। हालांकि उनके दौरे की शुरुआत एक क्षमा याचना से हुई। फ्रांस के राष्ट्रपति रवांडा के लोगों से माफी क्यों मांग रहे थे? उनका अपराध क्या था और क्या इस माफी से उसके पाप धुल जाएंगे? सब विस्तार से बताएंगे। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और आप देख रहे हैं ललन टॉप का इंटरनेशनल खबरों का डेली बुलेटिन दुनियादारी। रवांडा की कहानी सुनाने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। रवांडा अफ्रीका में है, चारों तरफ से जमीन से घिरा है। इसके पड़ोसी देश हैं बुरुंडी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, तंजानिया और युगांडा। रवांडा में दो मुख्य जातियों की बसाहट है, बहुसंख्यक हैं हूतू और अल्पसंख्यक हैं तुत्सी। जब तक रवांडा में औपनिवेशिक शासन चला, तुत्सियों का दबदबा रहा। तुत्सी मुख्य तौर पर मवेशी पालन के काम से जुड़े थे। रवांडा के समाज में मवेशी संपन्नता की निशानी है। वहाँ उपहार में गाय देने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। किसी को शुभकामना देनी हो तो कहते हैं, ईश्वर करे आपको हजार गाय नसीब हो। ऐसे समाज में तुत्सियों का प्रभावशाली होना स्वाभाविक था। जब बेल्जियम का राज हुआ, उसने तुत्सियों को अपना मैनेजर बनाया और ये हूतू लोगों से ज़बरदस्ती काम लेते, बेहिसाब शोषण करते। मेहनत हूतू करते, फ़ायदा तुत्सी और बेल्जियम कमाता। ये सब उनके मन मस्तिष्क में उबलता रहा हूतुओं के। और दूसरे विश्व युद्ध के बाद पलटवार की छिटपुट घटनाएं शुरू हो गई। हूतू लोगों ने शोषण का बदला लेना शुरू कर दिया। 1962 के साल में रवांडा को आज़ादी मिली। सत्ता अब बहुसंख्यक आबादी के पास आ गई, यानी हूतुओं के पास, और इसके बाद खुलेआम तुत्सियों को मारा जाने लगा। इस कत्लेआम में सरकार का भी समर्थन होता था। इसको लेकर तुत्सियों के विद्रोही गुट बने। वे हमला करने के बाद सीमा पार कर छिप जाते और इसका खामियाजा फिर आम तुत्सी नागरिकों को झेलना पड़ता। ये सब 1980 के दशक तक चला। फिर आया 1987 का साल। इस साल एक और विद्रोही गुट की स्थापना हुई। इसका नाम था रवांडा पेट्रियाटिक फ्रंट। इसे बनाया था फ्रेड गिजा विगियेमा नाम के एक तुत्सी मिलिट्री अफसर ने। अक्टूबर 1990 में विगियेमा के नेतृत्व में RPF ने, यानी इस फ्रंट ने, रवांडा पर हमला कर दिया। मकसद था सत्ता हासिल करना। उस वक्त रवांडा के राष्ट्रपति थे जुवेनाल हाबियारिमाना, जाति से हूतू। वो 1973 से सरकार चला रहे थे। एक छत्र राज था रवांडा में। सब कुछ उनके इशारे पर होता था। निरंकुशता ऐसी कि उन्हें एक उपाधि दी गई, किनानी। किनानी का हिंदी में मतलब होता है अजेय, कोई ना जीत सके। जब RPF का हमला हुआ, तब इस उपाधि पर संकट दिखने लगा। हाबियारिमाना की सेना RPF से मुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार नहीं थी। ऐसे में उन्होंने मदद मांगी फ्रांस से। फ्रांस लंबे समय से रवांडा की सरकार को आर्थिक मदद तो कर रहा था, लेकिन अब सैन्य मदद भेजने की भी बारी थी। लेकिन फ्रांस सीधे युद्ध में नहीं कूद सकता था। हाबियारिमाना पर तानाशाही के आरोप भी थे। ऐसे में सीधे मदद पहुंचाना अंतर्राष्ट्रीय छवि के लिए भी नुकसानदेह होता। तब फ्रांस ने एक रास्ता निकाला। उसने रवांडा में मौजूद फ्रेंच नागरिकों की सुरक्षा के लिए 600 सैनिकों की टुकड़ी भेजी। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि उस वक्त रवांडा में कुछ 100 फ्रेंच नागरिक ही थे, और तो और सिविल वॉर से उन्हें कोई सीधा खतरा भी नहीं था। फ्रांस ने 600 सैनिकों को उतारने की बात ही मानी, लेकिन असलियत में वहां 1100 से ज़्यादा फ्रेंच सैनिक तैनात थे और बाकी के 500 गुप्त तरीके से रवांडा की सेना को ट्रेन कर रहे थे। फ्रेंच आर्मी से प्रशिक्षित हुए सैनिकों ने बाद में चरमपंथी संगठन इंटरा हामवे और इमुजा मुगाम्बी के लड़ाकों को तैयार किया। ये दोनों चरमपंथी गुट हाबियारिमाना सरकार के चट्टे बट्टे थे। फ्रांस के सहयोग से रवांडा की सेना ने RPF को कड़ी टक्कर दी। लंबे समय तक हिंसा होती रही, लड़ाई का कोई नतीजा निकलता नहीं दिखा। फिर दोनों पक्षों के बीच बातचीत हुई और अगस्त 1993 में आरुषा एकॉर्ड्स अस्तित्व में आया। 3 सालों से चला रहा सिविल वॉर इसके बाद रुक गया। RPF को सरकार और सेना में बराबर की हिस्सेदारी की मांग पर भी सहमति मिल गई और तय हुआ कि अगले 22 महीने के भीतर रवांडा में निष्पक्ष आम चुनाव कराए जाएंगे। रवांडा अब स्थिरता की तरफ कदम बढ़ा रहा था।
उम्मीद की किरण दिख रही थी। सदियों से अदल बदल कर शोषक और शोषित की भूमिका निभाने वाले हूतू और तुत्सी एक साथ मिलकर काम करने वाले थे, लेकिन वो दिन आता उससे पहले एक बड़ा हादसा हो गया। तारीख थी 6 अप्रैल, बरस था 1994 का। रवांडा एयरफोर्स का एक विमान तंजानिया से वापस लौट रहा था। किगाली एयरपोर्ट पर उतरने से ठीक पहले इस पर रॉकेट से हमला हुआ तो प्लेन हवा में क्रैश हो गया। इस विमान में सवार थे रवांडा के राष्ट्रपति जुवेनाल हाबियारिमाना। इसके अलावा बुरुंडी के राष्ट्रपति साइप्रियन नेटरियामारा भी इसमें सवार थे। दोनों मौके पर ही मारे गए। हमला किसने किया आज तक पता नहीं चल पाया। ये दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों की लिस्ट में शामिल होकर रह गया। लेकिन हमले के बाद बहुत कुछ खुले में होना बाकी था। उधर राष्ट्रपति पर हमला हुआ, इधर राजधानी में सेना ने बैरिकेड लगाना शुरू कर दिया। हूती लोगों को कहा तुत्सियों को मारो, ये तुम्हारा कर्तव्य है। प्रशासन ने खुली छूट दे दी। सब कुछ पूरी तरह से योजनाबद्ध लग रहा था। राष्ट्रपति की मौत के कुछ ही घंटों बाद पूरे रवांडा में तांडव शुरू हो गया हो जैसे। लोग आदमखोर बन चुके थे, सब रिश्ते नाते खत्म, सिर्फ लोगों की जाति का महत्व था। हूतू शिकारी और तुत्सी उनका शिकार। रेडियो रवांडा सरकार के नियंत्रण में था, वहां से भी झूठी खबरें चलाई जा रही थी। हूतू लोगों पर हमले की फर्जी रिपोर्ट सुनाई जाती ताकि तुत्सियों के खिलाफ माहौल तैयार किया जा सके। और रेडियो के इस प्रसारण की वजह से ही इस हिंसा का दायरा शहर से निकलकर गांव में भी फैल गया। 1990 से 1993 के बीच इसने नफरत की जमीन तैयार की थी। जनसंहार के दौरान इसका असर देखने को मिला। मर्डर और रेप की अनगिनत कहानियां रवांडा की सड़कों और नदियों में बिखरने लगी। इस घटना को नाम मिला रवांडन जेनोसाइड, यानी रवांडा का जनसंहार। ये जनसंहार अगले 100 दिन तक चला और अनुमान है कि इस दौरान लगभग 8 से 10 लाख लोगों का कत्ल हुआ। रवांडा के जनसंहार को एक लाइन में समझना हो तो ह्यूमन राइट्स वॉच की तरफ से प्रकाशित किताब का रुख करना होगा जो इसी जनसंहार पर लिखी गई है। इसका शीर्षक है लीव नन टू टेल द स्टोरी। कोई कहानी बयां करने वाला नहीं बचना चाहिए, और यही इस जनसंहार का मकसद था। इस जनसंहार में फ्रांस की क्या भूमिका थी? पहली बात, फ्रेंच आर्मी से प्रशिक्षण पाए हुए सैनिकों ने इंटरहामवे और इमुजा मुगाम्बी के हथियारों को तैयार किया था। जनसंहार के दौरान इन दोनों गुटों ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई, न सिर्फ लोगों को हिंसा के लिए भड़काया बल्कि आम लोगों को हथियार बांटे। दूसरी बात, फ्रांस को पहले से पता था कि रवांडा में जनसंहार का माहौल तैयार किया जा रहा है। इसके बावजूद उसने इसे रोकने के लिए कुछ नहीं किया, वो बिना किसी पूछताछ के रवांडा सरकार को मदद पहुंचाती रही। तीसरी बात, जून 1994 में यूएन ने रवांडा में पीस कीपिंग फोर्स उतारी। फ्रांस के नेतृत्व में ऑपरेशन टर्कवाइज चला। इसका मुख्य मकसद था सताए लोगों को सुरक्षित माहौल देना, तुत्सी लोगों को सेफ रखना, बजाय इसके फ्रांस ने हूतू हत्यारों को बच निकलने के लिए रास्ता दिया। फ्रांस लंबे समय तक इन आरोपों से इनकार करता रहा, कभी खुलकर स्वीकार नहीं किया कि रवांडा जनसंहार को ईंधन उसी ने दिया था। रवांडा जनसंहार के बाद आरपीएफ अपने लोगों के बचाव में आया, उसने सिविल वॉर में जीत हासिल की और तब से सत्ता उन्हीं के हाथ में है। आरपीएफ के दिग्गज कमांडर्स में से एक पॉल कगामी पिछले 21 बरस से रवांडा के राष्ट्रपति हैं। कगामी लगातार जनसंहार में फ्रांस की भूमिका पर सवाल उठाते रहे और आखिरकार अप्रैल 2019 में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने रवांडा जनसंहार में फ्रांस की भूमिका की जांच के आदेश भी दिए। मैक्रो कमीशन की रिपोर्ट आई 26 मार्च 2021 को, 1200 पन्नों की रिपोर्ट। इसमें कहा गया कि फ्रांस जनसंहार करने वाली सरकार का मददगार रहा, आंखें बंद किए रखी। लेकिन ये कहना गलत होगा कि फ्रांस जनसंहार में भागीदार था। कहने का मतलब ये कि हमने आग लगाने के लिए पेट्रोल और माचिस दी लेकिन हम इसमें शामिल नहीं थे। इस रिपोर्ट के बाद बात चली कि मैक्रो रवांडा के साथ रिश्तों में सुधार ला सकते हैं और इसी सिलसिले में वो किगाली के स्मारक पर पहुंचे और फ्रांस की भूमिका के लिए रवांडा के लोगों से माफी मांगी। राष्ट्रपति मैक्रो की माफी में उन्हीं का हित छिपा है। फ्रांस अफ्रीका में एक स्थायी पार्टनर की तलाश में है। कगामी पिछले 21 सालों से सत्ता में है। रवांडा अफ्रीका के उन गिने चुने देशों में है जहां आतंकवाद या सिविल वॉर की समस्या नहीं है। रवांडा को साधने के लिए कगामी को साधना जरूरी है, और चूंकि कगामी तुत्सी हैं और रवांडा जनसंहार के भुक्तभोगी भी, इसलिए उनकी हां में हां मिलाकर बात आगे बढ़ाई जा सकती है। कगामी पर विरोधियों को दबाने और फ्री प्रेस पर ताला लगाने के आरोप भी हैं। इसके बावजूद मैक्रोन के कारनामों को नजरअंदाज कर रहे हैं। जानकारों की माने तो रवांडा में बहुत से लोग मैक्रोन से खुश नहीं हैं। उन्होंने फ्रेंच सरकार से आधिकारिक माफी की मांग की है। अगले बरस फ्रांस में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं। अगर मैक्रोन ऑफिशियल माफी मांगते हैं तो उनके अपने देश में दक्षिणपंथी गुट उनसे नाराज हो सकते हैं, क्योंकि ये गुट आज भी औपनिवेशिक माइंडसेट को प्राथमिकता देते हैं, अफ्रीकी देशों से लूट और वहां के लोगों की हत्या को गलत नहीं मानते। फिलहाल मैक्रों ने एक तीर से दो मंजिलों पर निशाना साधा है। रवांडा सरकार को खुश भी कर दिया और अपने देश में विरोधी धड़े को नाराज होने का भी ज्यादा मौका नहीं दिया। इन सब के बीच जनसंहार के सताए लोगों का दर्द उसी तरह बरकरार है।
ये था हमारा आज का बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियों की बारी। पहली सुर्खी यूनाइटेड नेशंस से है। यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल इसराइल और फिलिस्तीन के बीच हुई लड़ाई की जांच के लिए तैयार हो गया है। इसके तहत एक परमानेंट कमीशन ऑफ इंक्वायरी की स्थापना की जाएगी जो इसराइल, गाजा, वेस्ट बैंक और ईस्ट यरूशलम में हुए मानवाधिकार उल्लंघन की पड़ताल करेगा। इसके अलावा दोषियों को सजा दिलाने के लिए सबूत भी जुटाए जाएंगे। इसराइल ने कहा कि वो कमीशन की जांच में सहयोग नहीं करेगा, जबकि हमास ने इस प्रस्ताव का स्वागत किया। यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल की स्थापना 2006 में हुई थी। इसमें कुल 47 सदस्य होते हैं। रोटेशन के आधार पर 3 साल के बाद नए सदस्यों को सीट मिलती है। अभी वाला प्रस्ताव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन की तरफ से पाकिस्तान ने पेश किया था। 24 सदस्यों ने इस प्रस्ताव पर सहमति जताई, 9 ने इसके खिलाफ वोट दिया और भारत समेत 14 देशों ने इस वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। दूसरी सुर्खी इंडोनेशिया से। इंडोनेशिया की एक अदालत ने कट्टर मुस्लिम नेता रिजिक शिहाब को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन न करने के लिए 8 महीने की सजा सुनाई। शिहाब को धार्मिक आयोजन और बेटी की शादी में हजारों लोगों को इकट्ठा करने का दोषी पाया गया। उनके ऊपर 1,00,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। फैसला सुनाने के दौरान कोर्ट के बाहर 3,000 से अधिक पुलिस वाले तैनात किए गए। प्रशासन को हिंसा भड़कने का डर था। दिसंबर 2020 में ऐसा हो भी चुका है। शिहाब के इंडोनेशिया लौटने के बाद उनके समर्थकों और पुलिस के बीच हिंसक लड़ाई हुई थी जिसमें कई लोग मारे गए थे। हिंसा के बाद सरकार ने उनकी पार्टी इस्लामिक डिफेंडर्स फ्रंट को बैन कर दिया था और तब से रिजिक शिहाब पुलिस की हिरासत में है। अदालत के फैसले के बाद रिजिक को 3 महीने और जेल में रहना होगा। आज की तीसरी सुर्खी सीरिया से। यहां 26 मई को राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग हुई। नतीजे आए तो नो सरप्राइज, बशर अल असद को 95.1% वोट मिले, यानी एक तरफा जीत। और इस तरह बशर अल असद के चौथी बार राष्ट्रपति बनने का रास्ता साफ हो गया। 2014 के चुनाव में असद को 89% वोट मिले थे। विपक्ष ने इस चुनाव को भद्दा मजाक बताया है। अमरीका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली ने कहा चुनाव अवैध है, साझा बयान जारी किया और बोले कि सीरिया में यूएन की निगरानी के बिना हुआ चुनाव निष्पक्ष नहीं हो सकता। इन आरोपों की वाजिब वजह भी है। इस बार के चुनाव उन्हीं इलाकों में कराए गए जहां सरकार का नियंत्रण है। सिर्फ उन्हीं को चुनाव में खड़े होने की इजाजत थी जो पिछले 10 सालों से सीरिया के निवासी हैं। असद के अधिकतर विरोधी निर्वासन में हैं। ऐसे में उनको चुनौती देने वाला कोई नहीं बचता। बशर अल असद पिछले 21 सालों से सीरिया पर राज कर रहे हैं। अरब स्प्रिंग के दौरान उनके खिलाफ भी आंदोलन हुए लेकिन कुर्सी सलामत रही। आज की दुनियादारी में इतना ही। उम्मीद है कि अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया। शुभरात्रि।